के जनन के बाद हम लोगों ने वॉलेट चैप्टर फाइव चैप्टर के विनर है और एलजीक्यूसी में भी गोल्ड मेडल जीता है। आइए हम हमारे ग्रुप से परिचय कराता हूं। हमारे ग्रुप के लीडर है मिस्टर एस पाल, डिप्टी लीडर है मिस्टर जीपी जांगड़े, हमारे ग्रुप के सदस्य हैं मिस्टर पप्पू राय शर्मा और मैं सर एस के ठाकुर, और हमारे ग्रुप के फैसिलिटेटर है मिस्टर भाई सरीन, हमारे ग्रुप के प्रदीप गुप्ता और हमारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने हम सभी को पांच पांच टीमों को एनसीक्यूसी तक पहुंचाया और अपने ग्वालियर और भोपाल चैप्टर में गोल्ड मेडल बनाया। इसी के साथ ही मैं अपने महागुरुओं का एक सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो आज हम इस ग्वालियर एनसीक्यूसी में प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसमें मेन है एडवर्ड डेविंग, जुनादी इशिका हुआ और हमारे भारत के महानवीस। इसी तरह साथ ही साथ में हमारी टीम को हमारे ग्वालियर चैप्टर और भोपाल चैप्टर ने प्रशिक्षण भी दिया और हमें इसका काफी लाभ मिला है। स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारी टीम ने विचार मंथन टेक्निक का उपयोग करते हुए राउंड रॉबिन मेथड से 102 प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया और जिसमें कि हमारी 31 प्रॉब्लम हमने काइजन ग्रुप में सॉल्व किया। हमारी बची हुई 71 प्रॉब्लम है जो हमने ए बी सी तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया। हमारी ए कैटेगरी की प्रॉब्लम 52 है, बी कैटेगरी की 12 है और सी कैटेगरी की 7 है जो आप वाई चार्ट में देख रहे हैं। हमारी जो ए कैटेगरी की 12 प्रॉब्लम 52 प्रॉब्लम थी उनको हम कास्ट प्रोडक्टिविटी डिसेप्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिस पे हमने उनको क्लस्टर किया। क्लस्टर करके हमारे 10 प्रॉब्लम निकल के आई। उन 10 प्रॉब्लमों का हमने एक टाइम बेस्ड फ्रीक्वेंसी पर हमने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमने पैरेटो चार्ट में डाला और डाला तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो तीन ऐसे कारण थे जो हमारे 80% को इंपैक्ट डाल रहे थे, हमारी जो तीन समस्या निकल के आई, हायर सेटअप टाइम ऑफ द वॉल्यूम कन्वर्जन, बॉटल जामिंग एंड कन्वेयर जामिंग, हमारी जो पहली समस्या थी हायर सेटअप टाइम ऑफ द वॉल्यूम कन्वर्जन, हमारी टीम ने सर्वसम्मति से उस प्रॉब्लम को चयनित किया। जैसा कि महानुभाव किसी भी काम को करने के लिए एक टाइम टेबल की जरूरत होती है, हमारी टीम ने भी माइलस्टोन चार्ट बनाया जो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20 सप्ताह का टाइम निर्धारित किया। हमारे जो टाइमिंग था वो 11:30 से 12:30, 3:30 से 4:30 और जो दिन था हमने मंडे डिसाइड किया। विश्व में एक ही नाम, क्यूसी हर समस्या का समाधान। तो आइए महोदय जी, इसके प्री डिफाइन द प्रॉब्लम, हमारी समस्याएं क्या थी इससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो हमारी समस्या थी, यदि प्रोडक्शन प्लानिंग के अनुसार हमारी मशीन सेटअप सेम वॉल्यूम में रहता था तो हम कन्वर्ट चैपी लेते थे और कन्वर्शन करते थे। यदि हमारी मशीन सेटअप सेम वॉल्यूम में नहीं होने पे हम कन्वर्शन स्टेप लेते थे तो कन्वर्शन करने के पहले हमको सीआईपी करना पड़ता था जिसको हम अनशेड्यूल सीआईपी कहते हैं। तो महोदय जी, अनशेड्यूल सीआईपी चल में है क्या? तो अनशेड्यूल सीआईपी मतलब हमारी जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो एसओपी बनाया उसमें 72 घंटे के बाद में हम सीआईपी लेते थे। यदि उसमें किसी कारणवश वॉल्यूम चेंज करना होता था तब हम उसको कन्वर्शन कर देते, जो कि हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम 72 घंटे के बाद ही सीआईपी करेंगे और उसके पहले जो हम सीआईपी करते थे उसमें हमारा समय लॉस हो रहा था, जो पिंक चार्ट में आप लोग देख रहे हैं यही हमारी मुख्य समस्या है। जैसे फ्लो डायग्राम के माध्यम से हमारी जो प्रोडक्ट के सीक्वेंस के बारे में इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है टैंक में आने के बाद फिलर नोजल में आता है, उसके बाद बॉटल फिलिंग हो जाता है, बॉटल फिलिंग के बाद में प्रिंटर से कोडिंग हो जाता है, कोडिंग होने के बाद सीलिंग हो जाता है, उसके बाद में इनवर्ट कन्वेयर के बाद में कूलिंग टनल में चला जाता है, कूलिंग टनल के जाने के बाद वहां नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है, उसके बाद में टॉप सीलिंग में केप टॉप सीलिंग अप्लाई होता है, स्टीम टनल में श्रिंक हो जाता है, उसके बाद में इनवर्ट बॉक्स से पैकिंग में पैकिंग होता है और पैलेटेशन के लिए हम डिस्प्ले सेक्शन को भेज देते हैं। जैसे कि आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं कन्वर्शन प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमने हमारी जो क्यूसी है वो मुख्य आधार ये है कि कन्वर्शन का प्रोसेस क्या है और समस्या क्यों आती है और इतना समय क्यों लगता है। तो आइए महोदय जी, हम आपको बताते हैं कि जो हमारी किलर मशीन है वो मल्टीपल मशीन है और मल्टीपल सेंसर में स्थापित होने की वजह से हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें 200 ग्राम से 450 ग्राम 623 ग्राम 1.3 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके सेटिंग की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार की कन्वेयर की हाइट विड्थ की सेटिंग, कन्वेयर फोर्क सेंसर की सेटिंग, नेक गाइड की सेटिंग, फिलर नोजल की सेटिंग, इस टाइप के हम सेटिंग करते हैं।
बस के पेट का ले पासा अनशेड्यूल सेट भी होना और हमारा वही का डिस्क्रीज होना और यूटिलिटी कास्ट एवं लेबर कास्ट का बढ़ना हमारे हमारी टीम में क्या ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट है कि अनशेड्यूल सेट को कम करेंगे लेबर लॉस और यूटिलिटी लॉस को कम करेंगे और अपने वही को बढ़ाएंगे हमारी टीम का गोल क्या था हमारे गोल है कि हम सेटअप टाइम को 40% रिड्यूस करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे स्टेप 4 एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेप में हमारी टीम ने 4W वायरलेस टेक्निक का यूज किया जैसे कि प्रॉब्लम क्या है हाय सेटअप टाइम द वॉल्यूम कन्वर्जन प्रॉब्लम कहां होती है फिल्टर पिलर मशीन में होती है प्रॉब्लम कब होती है अब कन्वर्जन के टाइम पे होती है इस प्रॉब्लम से कौन इफेक्टेड होगा हम इंटरनल कस्टमर हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम कारणों को पहचान करके डेवलपिंग सॉल्यूशन के माध्यम से श्रीमान जी जैसे आप देख रहे हैं कि हमने डाटा एनालिसिस किया हमारा जो डाटा है वो जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 के बीच में हमने ऑफलाइन का डाटा लिया जो कि आप इस डाटा में देख रहे हैं कि मैक्सिमम 5.5 घंटा हमें ऑफलाइन कन्वर्जन में लग रहा है स्टेप 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस हमारी टीम ने इस स्टेप में ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज किया और जो हमारी समस्या है उससे रिलेटेड 18 कारणों का पता लगाया इन कारणों को हमने मेन मशीन मेथड मटेरियल पे हेडअप किया और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में अप्लाई किया और बाद में एनालिसिस किया जैसे कि भैया मेन के क्या कारण है जो हमारा मेन काम था अनस्किल था भैया क्यों था क्योंकि उसे हमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया था मशीन के क्या कारण है हमारी जो मशीन थी उसमें प्रॉपर काम करने का स्पेस नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि जो मशीन की डिजाइन थी वो कंजेस्टेबल थी भैया मटेरियल के क्या कारण है जो हमारा मटेरियल था उसमें वेयर एंड टियर की प्रॉब्लम थी क्यों थी क्योंकि उसमें हमने लोकली डेवलप मटेरियल यूज किया था मेथड के क्या कारण है हमारी जो प्रोडक्शन प्लान मेथड प्रॉपर नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि जो मार्केट डिमांड थी वो वेरिएबल्स थी इन्हीं सारे कारणों से जो हमारा कन्वर्जन का सेटअप टाइम था वो बढ़ जाता था इन्हीं कारणों को हमने टाइम टेकिंग के आधार पर वेरिएशन किया जिससे जो हमारी समस्या के नौ मुख्य कारण हमें प्राप्त हुए इन कारणों का हमने टाइम के आधार पर डाटा लिया और उसका कवरेज को लेकर हमने पैटर्न एनालिसिस किया इसमें हमने देखा जो हमारे मुख्य तीन कारण प्राप्त हुए CIP टाइम नो प्रॉपर टूल एंड टेम्पलेट और तीसरा अनस्किल्ड मैन पावर यह तीन कारण जो हमारी समस्या को 80% इफेक्टिव करते थे इससे हमें पता चला कि यदि हम इन तीन कारणों पर काम करेंगे तो हम हमारी समस्या का 80% सॉल्व कर लेंगे स्टेप नंबर 8 डेवलपिंग सॉल्यूशन श्रीमान जी हमने विचार मंथन के टेक्निक का प्रयोग करते हुए हमने देखा कि हमारे जो CIP का टाइम है मोर देन 3 आवर्स है तो श्रीमान जी क्या हम इसको ऑनलाइन पर वजन कर सकते हैं क्या इसको हम बिक्री में करें क्या नहीं भैया श्रीमान जी जो हमारे टूल एंड टेम्पलेट डाउन से हमारा CIP टाइम बढ़ रहा है वजन टाइम बढ़ रहा क्या हम टूल टेम्पलेट डेवलप कर सकते हैं क्या हम अपने मेन पावर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारा बियर एंड टियर बढ़ रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्वालिटी की स्तर कर सकते हैं श्रीमान जी हमारे तीन और कारण थे इंडक्शन सीलर कन्वेयर जैमिंग बॉटल जैमिंग इन पॉइंटों पर भी हमारी टीम के विचार मंथन सहमति बनी और इनको हम आगे बढ़ाए जैसा कि हमें सहमति बनी हमारी टीम ने एक जिम्मेदारी ली जिम्मेदारी के साथ बोले के काम करेंगे इसके पहले हमारी जो ये मशीन देख रहे हैं जिसमें हमने एक टेम्पलेट बनाया ये टेम्पलेट है जो कन्वर्जन के टाइम पे हम उपयोग करते हैं और अपने सेटअप टाइम को हम कम कर दीजिए अलग अलग वॉल्यूम के हैं 600 ग्राम 200 ग्राम और 1.3 के लिए अपन ये इस तरह से करके इनके कन्वर्जन टाइम को हम कम करते हैं हाइट को मेंटेन करने के लिए इस तरह का ये टेम्पलेट है जिसको हम उनका सेटअप टाइम कम करते हैं इसी तरह हमारे जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है उसमें ये टाइम हमारे जो ऑपरेटर हम लोग जब ट्रेनिंग लिए उसकी एक छायाचित्र है सात फ्लोर पर हमारे और भी जो हमने जो बताया था कि हमारे और भी जो कारण थे बॉटल जामिंग के बैड लगाकर इन बॉटल जामिंग को हमने दूर किया उस समस्या का समाधान किया जैसे कन्वेयर जामिंग था तो हमारे दो कन्वेयर एक साथ चलते थे उसकी इंटरलॉकिंग को माला करके अलग अलग उनको सेपरेट किया श्रीमान जी इस सब काम करने के लिए हमारी टीम ने जिम्मेदारी ली कि हम जो अपना ऑनलाइन कन्वर्जन का टाइम है ऑनलाइन कन्वर्जन का टाइम ये प्रोसेसिंग प्रॉब्लम रेजिस्टेंस श्रीमान जी देख रहे हैं कि जो हमारे कुछ अवरोधक पैदा हो गए अवरोधक क्या थे भैया ये मोटे मोटे पाइप में आपको टाइम तो ज्यादा लगेगा इसके लिए हमारी टीम ने सजेशन दिया आइडिया दिया कि क्यों ना हम इस पाइप को पतले फूड ग्रेड पाइप में रिप्लेस कर दें भैया इतना हाई टेंपरेचर में आप काम करेंगे तो टाइम तो लगेगा तो हमारी टीम ने आइडिया दिया क्यों ना हम हमारे प्रोडक्ट टैंक को खाली कर दें अरे बाप रे आप इतने बड़ी बॉटल से जब छोटे में कन्वर्ट करो तो समय तो वॉल्यूम सेटिंग लगेगा हमारी टीम ने आइडिया दिया क्यों ना हम इसे प्रॉपर हाइट में मार्किंग कर दें इस सारे प्लानिंग के साथ हमने अपने एचओडी को बताया उनसे डिस्कस किया हमारे एचओडी ने हमें इस काम करने के लिए अथॉरिटी की तो हम स्टेप नंबर 10 ट्रायल इंप्लीमेंटेशन इसमें मैं पीडीसीएसआर के लिए डेमिंग बिल को उपयोग करते हुए हम अपने प्लान को किया
करने के बाद हमने उनको डाटा को एब्जॉर्ब किया, इसके बाद हमने ब्लॉक शीट के माध्यम से उस सेटअप टाइम का परफॉर्मेंस चेक किया और जो भी पॉइंट हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए थे उनको हमने नोट किया। ये करने के बाद हमने देखा कि हमने ऑनलाइन के 12 कन्वर्जनों का डाटा लिया जिसमें देख रहे हैं कि जहां हमें 2.7 आवर्स कन्वर्जन में लगे, जहां पहले की टाइम इज मनी, जहां हम पहले 5 घंटे लगते थे वहां पे हम 2.7 आवर्स लगे, अर्थात हमने अपने टाइम को 46% रिड्यूस किया। जैसा ये सारे प्लानिंग के साथ हमने फैक्ट्री हेड को बताया, फैक्ट्री हेड ने हमें एक ट्रेवलर करने के लिए हमें अथॉरिटी लेटर दिया। इसके बाद स्टेप 11 रेगुलर इंप्लीमेंटेशन, जब हमने ट्रायल इंप्लीमेंटेशन किया तो हमें कुछ इश्यूज मिले थे, जैसे कि जो हमारा कूलिंग ट्रायल का कन्वेयर था उसकी स्पीड कम थी, तो हमने उस कन्वेयर में बीएफटी इंस्टॉल किया जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई। इस तरह से जो हमारे जो ट्रायल इंप्लीमेंटेशन के रिजल्ट थे बहुत आश्चर्यजनक मिले। इसके बाद हमने उसे रेगुलर किया, उसके बाद हमने 9 ऑनलाइन कन्वर्जनों का डाटा लिया जिसमें हमने जो रिडक्शन टाइम का देखा वो 2.50 हो गया था। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में दिखाया था कि जो हमारा बिफोर यूजी कन्वर्जन टाइम 5 आवर्स था जो कि घटाकर हमने 50% कर लिया था, जैसे कि आपको हमने इस आगे वाली स्लाइड में बाद आपने दिखाया है कि किस तरीके से हमने टाइम का रिडक्शन किया है और 50% रिड्यूस किया है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट की बात करें जो हमें बेनिफिट मिले हैं, हमने 3 महीने का जो डाटा लिया है उसमें हमारा जो सीरम लाइन का ओई है और एफिशिएंसी उसको हमने बढ़ाया 68% से 72% बढ़ाया, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात करें तो हमने 5% इंक्रीज किया है, जैसे कि 200 ग्राम की बात करें तो उसमें 5% बढ़ाया है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज 12,000 रुपये बचाया, और यदि 1.3 की बात करें तो टर्म्स ऑफ रुपीज हमने 10,000 रुपये बचाया, ओवरऑल हमने पर कन्वर्जन 15,000 रुपये की सेविंग करी। यदि हम